हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नीतीश राणा ने धमाकेदार पारी खेली। राणा ने 56 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी के साथ ही राणा एक और खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। राणा IPL में नंबर 1 से 5 तक हर पोजिशन पे बल्लेबाजी करते हुए 50 या उससे ज्यादा रन बना चुके हैं। राणा ऐसा कारनामा करने वाले IPL के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। राणा से पहले IPL में रोहित शर्मा और शेन वॉटसन ये कारनामा कर चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सलामी बल्लेबाज नीतीश राणा जिन्होंने 80 रन बनाए और राहुल त्रिपाठी जिन्होंने 53 रनों के अर्धशतकों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट पर 187 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज राणा ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद जोरदार शॉट्स लगाकर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत कराई। उनके ऑफ साइड के स्ट्रोक, ड्राइव्स और कट काफी आकर्षक रहे। ना तो भुवनेश्वर कुमार और ना ही टी नटराजन राणा को बाउंड्री लगाने से रोक सके, जबकि दूसरे छोर पर शुभमन गिल शुरू में काफी शांत थे। संदीप शर्मा की गेंदों पर उन्होंने लगातार 3 चौके लगाए, फिर गिल ने नटराजन की गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर हाथ खोले। राणा ने अपना 50 पूरा करने के बाद छक्के जड़ना जारी रखा। उन्होंने नटराजन और संदीप पर फिर छक्के जमाए। दूसरे छोर पर राहुल त्रिपाठी भी आत्मविश्वास से भरे थे और उन्होंने तेजी से अपनी पारी आगे बढ़ाई। उन्होंने भुवनेश्वर पर एक गगनदेही छक्का जड़ने के बाद थर्ड मैन पर चौका लगाया। त्रिपाठी ने भुवनेश्वर की गेंद पर एक और चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जल्द ही नटराजन की गेंद पर बल्ला छुआकर आउट हो गए। रशीद ने फिर खतरनाक आंद्रे रसेलियन जिन्होंने 5 ही रन बनाए को पवेलियन भेज दिया। मोहम्मद बबी जिन्होंने 32 रन देकर 2 विकेट दिए। फिर 18वें ओवर में राणा और इयान मॉर्गन जिन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए लगातार गेंदों पर आउट हो गए। इस तरह राणा ने अच्छी पारी खेल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बड़ी पारी, एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी की आपकी कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूले। और भी ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।